आपने देखा होगा कि एनिमल किंगडम में कई जानवरों के पास सींग हैं जो उनके बड़े काम आते हैं। आमतौर पर जानवर अपने सींगों का इस्तेमाल डिफेंस में करते हैं तो कुछ दूसरे जानवरों पर अटैक करने के लिए। इनके अलावा कई बार सींग जानवरों की खूबसूरती में चार चांद लगाते नजर आते हैं, तो कई बार ऐसा भी पाया गया है कि सींगों के कारण ही जानवरों को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसी के चलते आज हम आपके सामने 10 ऐसे जानवर पेश करने वाले हैं जो अपने लंबे और विचित्र सींगों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ जानवरों के सींगों की लंबाई और उनका फैलाव इतना अधिक है कि आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। जैकॉब शिप हॉर्न साइज 61 सेंटीमीटर। दो सींग वाले जानवर देखना एक आम बात है, लेकिन यहाँ हम आपको एक ऐसे अनोखी भेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दो नहीं बल्कि चार सींग हैं। जैकॉब भेड़ के दो सींग सिर के ऊपर की तरफ होते हैं और दो सींग सिर के दोनों साइड से नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ये सींग जैकॉब भेड़ों को एक यूनिक लुक देते हैं। इनके सींगों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैकॉब घरेलू भेड़ की एक ब्रिटिश नस्ल है और ये यूके और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। सदियों से जैकॉब को पार्क भेड़ के रूप में भी रखा गया था, लेकिन आधुनिक समय में इन्हें मुख्य रूप से ऊन, मांस और खाल के लिए पाला जाता है। इनका वूल ब्लैक और ग्रे कलर का होता है जिसमें व्हाइट पैचेस होते हैं। चार सींगों के कारण ये भेड़ दिखने में काफ़ी खतरनाक लगती हैं, मगर स्वभाव से ये काफ़ी फ्रेंडली और इंटेलिजेंट होती हैं। ब्लैक बक हॉर्न साइज 75 सेंटीमीटर। ये मृग की एक प्रजाति है जो भारत, पाकिस्तान और नेपाल के मूल निवासी हैं। इनके सींग स्पाइरल शेप में होते हैं जो एक बड़े वी आकार का निर्माण करते हैं। अपने इन बड़े सींगों के साथ ये मृग कमाल का दिखता है। इनके सींगों की लंबाई 75 सेंटीमीटर तक होती है। मेल ब्लैक बग अपने सींगों का इस्तेमाल दूसरे मृगों के साथ मुकाबला करने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए यूज करते हैं। ब्लैक बग अपनी तेज गति के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये चीता जैसे शिकारी जानवरों से बचने के लिए 70 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इनके साइज़ की अगर बात करें तो ब्लैक बग की हाइट शोल्डर पर 74 से 84 सेंटीमीटर तक होती है। नर का वजन औसतन 38 किलोग्राम तक होता है। बिग हॉर्न शिप हॉर्न साइज 90 सेंटीमीटर। ये भेड़ उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है और बड़े सींगों के कारण ही इस भेड़ का नाम बिग हॉर्न शिप पड़ा है। इनके सींगों की खासियत है कि वो काफ़ी घने और घुमावदार होते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि इनके सींग जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं और कई बार तो इन सींगों की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। वैसे तो नर और मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं, लेकिन मादा के सींग कम घुमावदार और छोटे होते हैं। ये अपने सींगों का उपयोग खाने और लड़ने के औजार के रूप में करते हैं। ये भेड़ खड़ी चढ़ाई पर बड़े आराम से चढ़ जाती हैं। इनसे हमेशा दूर रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि ये कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आपके लिए सबसे बड़ी ताकत की होती है, वही आपके लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है। दरअसल एक समय पर इनके सींगों का वजन इनके पूरे शरीर में मौजूद सभी हड्डियों के वजन से अधिक हो जाता है। इस दौरान इन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। एक जोड़ी सींगों का वजन लगभग 14 किलो तक हो सकता है। एल्क हॉर्न साइज 121 सेंटीमीटर। ये वापिति के रूप में जाना जाता है और ये हिरण के परिवार के भीतर सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। एल्क मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल और ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। एक वयस्क नर एल्क को बुल एल्क कहते हैं, जो औसतन 5 फीट लंबा होता है और इसका वजन 700 से 1100 पाउंड के बीच हो सकता है। वहीं गाय के रूप में जाने जाने वाली मादा एल्क का वजन 500 से 600 पाउंड के बीच होता है। मादा की हाइट औसतन 4.5 फीट की होती है। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनके सींग होते हैं, जो सर पर सजे किसी ताज से कम नहीं लगते। केवल बुल एल्क के पास ही सींग होते हैं, जिन्हें एंटलर्स कहते हैं। एल्क एंटलर का वजन 20 पाउंड तक हो सकता है और इनके सींगों की लंबाई 4 फीट यानी कि 121.92 सेंटीमीटर तक होती है। मेट सिलेक्शन में एंटलर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जायंट ईलैंड हॉर्न साइज 123 सेंटीमीटर। जायंट आइलैंड दुनिया में मृग की सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में फेमस है। इनके शरीर पर सफ़ेद रंग की कुछ धारियां होती हैं, जिसके कारण इन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है।
एक वयस्क जायंट इलैंड का वजन 650 किलो तक होता है। बात करें इनके सींगों की तो नर और मादा दोनों में सींग तो होते हैं, लेकिन उनके बीच काफी अंतर देखने को मिलता है। जहां नर के सींग साइज में करीब 123 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, वहीं मादा हिरण के सींग केवल 70 सेंटीमीटर तक ही होते हैं। इनके सींग कर्ल होने के साथ साथ सिरे पर काफी शार्प होते हैं। जायंट इलैंड अपने सींगों का इस्तेमाल किसी पर भी हमला करने के लिए नहीं करते हैं। इनके सींग किसी शोपीस से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इस प्यारे से हिरण को देखना चाहते हैं तो सवाना वुडलैंड्स मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के ग्लेड्स में जा सकते हैं, जहां ये पाए जाते हैं। जायंट इलैंड जंगल के साथ साथ रेगिस्तान में भी रह सकते हैं। कारिबाऊ हॉर्न साइज 130 सेंटीमीटर। अपने शरीर के आकार की तुलना में इस हिरण के सींग सभी जीवित हिरण प्रजातियों में सबसे बड़े और भारी होते हैं। इस प्रजाति में नर और मादा दोनों के सींग होते हैं, जिनमें नर के सींग 123 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और एक मादा के सींग 50 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं। कारिबू को रेंडियर भी कहते हैं, जो आर्कटिक टुंड्रा, माउंटेन टुंड्रा, नॉर्थ अमेरिका, रशिया और स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। ये हिरन अपनी नाक से लेकर खुरों तक बालों से ढके रहते हैं। बेशक आपको इनके बालों वाले खुर अजीब लग सकते हैं, लेकिन फ्रोजन ग्राउंड, बर्फ, कीचड़ और स्नो में चलने पर यह हिरन को अच्छी पकड़ देते हैं। रास्पुतिन गोट हॉर्न साइज 135.2 सेंटीमीटर। अपने बड़े सींगों की बदौलत इस बकरे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके सींग की लंबाई 135.2 सेंटीमीटर है। आधे सफ़ेद और आधे काले रंग के इस बकरे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल जब इसके मालिक ने इसे खरीदा था तब इसके सींग काफ़ी छोटे थे, लेकिन समय के साथ इसके सींग में भारी वृद्धि होती चली गई, जिसके कारण साल 2017 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। रास्पुतिन बकरे के मालिक ने इसका नाम ग्रिगोरी रास्पुतिन के नाम पर रखा है, जो रूसी रहस्यवादी थे। रास्पुतिन अपनी विशिष्ट लंबी काली दाढ़ी के लिए भी प्रसिद्ध थे। खैर, अगर आपको इस बकरे के लंबे सींगों को देखकर डर लग रहा है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बकरा किसी को सींग नहीं मारता और वर्तमान में यह ऑस्ट्रिया में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। मार्कहोर हॉर्न साइज 160 सेंटीमीटर। यह जंगली बकरी की प्रजातियों में सबसे बड़ा बकरा है, जिसके पास व्यापक खुर और कार्क स्क्रू के आकार के सींग होते हैं। नर और मादा दोनों के पास सींग होते हैं, जो काफी सख्त और घुमावदार होते हैं। नर के सींग 160 सेंटीमीटर तक और मादाओं में 25 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। मार्कहोर एक बड़ी कैपरा प्रजाति है, जो मध्य एशिया, काराकोरम और हिमालय की मूल निवासी है। दुर्भाग्य से इनके ये सींग अब इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि इनके अद्भुत सींगों के कारण इनका शिकार किया जाता है। आलम यह है कि 2015 से IUCN रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध है। मार्कहोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। अफ्रीकन वतूसी हॉर्न साइज 200 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं टॉप टू की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अफ्रीकन वाटूसी का। इनके सींग इतने बड़े हैं कि अगर ये आपके सामने आ जाएं तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। और सामान्य रूप से इनके बड़े सींग 200 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। प्रत्येक सींग का वजन 900 से 1600 पाउंड के बीच होता है। इनके सींगों की मोटाई भी काफ़ी अधिक होती है। अगर आपको लगता है कि ये सींग लड़ने के काम आते हैं तो आपको बता दें कि इनके सींग अंदर से खोखले होते हैं। इनके भीतर कई होल्स होते हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। इस तरह अफ्रीकन वाटूसी के सींग इनके लिए एसी की तरह कार्य करते हैं और इन्हें अफ्रीका की गर्मी सहन करने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि वाटूसी घरेलू मवेशियों की एक आधुनिक अमेरिकी नस्ल है। लॉन्गहॉर्न काओ हॉर्न साइज 257 सेंटीमीटर। बेहद बड़े सींगों के कारण हमने इस गाय को लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। इसके सींगों का साइज सुनकर आप भी सख्ते में आ जाएंगे, क्योंकि इसके सींगों की लंबाई लगभग 257 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने बड़े सींगों पर किसी छोटे पहाड़ को आराम से उठा सकती है। इस गाय को दो अलग अलग गाय के हाइब्रिड से तैयार किया गया है। पंजो नामक इस गाय के सींग तो इतने बड़े हैं कि उन्हें मापने पर वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक करीब 320 सेंटीमीटर जितने बड़े हैं। यही कारण है कि इस गाय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको बता दें कि लॉन्ग हॉर्न गाय का ओरिजिन टेक्सस में हुआ था, इसलिए इन्हें टेक्सस लॉन्ग हॉर्न नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकी नस्ल है और इनका शरीर काफ़ी मजबूत होता है। स्वभाव से ये गाय काफ़ी शांत होती है। इन्हें संभालना और काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो दोस्तों आपकी नज़र में इनमें से सबसे खतरनाक सींग किस जानवर के लगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।